अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पॉपकॉर्न। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम चिकन की ब्रेस्ट, जिसके मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं। एक बड़ा चम्मच लीमू का रस, दो छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई सफ़ेद मिर्च, एक छोटा चम्मच चाट मसाला, एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच ओरिगैनो, पौना कप ब्रेड क्रम, आधा कप मैदा, तलने के लिए तेल, एक अंडा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम चिकन में डालेंगे काली मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लीमू का रस। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। इसके लिए हम एक प्लेट में मैदा डालेंगे, ब्रेड क्रम, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ओरिगैनो, नमक। अब इसे मिक्स करें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। एक प्याली में अंडा फेंट लें। अब हम चिकन की कोटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले चिकन के पीस को अंडे में डिप करें, उसके बाद मैदे के मिक्सचर में हम इसे मिक्स करेंगे। और फिर एक प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह हम सभी चिकन के पीसेस को कोट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे पीसेस को कोट कर लिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल डालें। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके चिकन के पीसेस डालेंगे। दो तीन मिनट इसे इसी तरह पकने दें। अब इसे पलट लेंगे। इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। हमारा पॉपकॉर्न चिकन तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।